अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर इन गुड हेल्थ। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब वीडियो। तो यार, आज था हमारा प्लान कि हम मूवी देखने जाएं सब कॉलेज की क्लास फेलोज़ का। तो हम सब पहले तो एक जगह पे इकट्ठे हुए, वहाँ से हम गए एम्पोरियम, और वहाँ पे हमने रास्ते में तो यार हमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि आपको पता है कि हम सफ़र कर रहे हों और हम गाने शाने ना गए, और वो भी अपने दोस्तों के साथ, ऐसा तो यार हो नहीं सकता। तो यार सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊँगी कि हम कैसे जा रहे थे। तो यार फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन को पहुंच गए, हम एम्पोरियम पहुंच गए। तो यार वहाँ पर बड़े क्यूट डॉग्स होया हुआ था, मैं जिसको देख के बहुत ही प्यार आ रहा था। वैसे मुझे बिल्कुल भी कोई ख़ास हमदर्दी नहीं है और मुझे कोई पसंद भी नहीं है, लेकिन फिर भी। तो यार फाइनली हम अंदर पहुंच गए थे और हम मूवी की टिकट्स ख़रीदने जा ही रहे थे। बस हम हॉल में बैठ गए थे और मूवी बस स्टार्ट होने लगी थी। हमने अपने पॉपकॉर्न्स वगैरह ले लिए थे और हम अपनी मूवी इंजॉय कर रहे थे, और पॉपकॉर्न ख़त्म होने वाले थे, मुझे दुख हो रहा था। उसके बाद यार हम मूवी देखने के बाद हमने सोचा कि यार चलो थोड़ा घूम फिर लें और थोड़ी शॉपिंग वगैरह कर लें। तो एक दो चीज़ें हमने लेनी थी तो हमने वो ले ली। हमने कहा यार काम ख़त्म हो यहाँ से, बिल्कुल दोबारा आना जाना बहुत मुश्किल होता है यार। तो यार हमने क्या किया कि सारी शॉप पहले देखी कि यार हमें क्या लेना चाहिए क्या लेना चाहिए, कुछ भी समझ नहीं था आ रहा। लेकिन वो एक कहते हैं ना कि यार जेब में पैसे हो तो कीड़ा टिक नहीं रहा होता कि उनको कहाँ खर्च करें, तो वही वाला हिसाब था बस। तो इसी तरह यार मेरे पास भी कुछ पैसे थे और मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं कहाँ लगाऊँ। तो मैंने सोचा यार कुछ फजूल चीज़ें ले ही लें। तो यार उसके बाद मुझे यहाँ पर जल्दी जल्दी टेडी बियर पसंद आ गया, जो कि मैंने नहीं लिया। उसके बाद हमने खाना पीना किया अपना। एम्पोरियम से बाहर निकल के हमें नज़र आए कि कुछ फ्राइज़ थे और हमने वो खाए, और फ्राइज़ खाने के बाद हम फिर से अपने अपने घर को वापस जा रहे थे, और फिर से वही वाले सीन्स थे। यार फाइनली मैं अपने घर पहुंच गई थी, और घर आए तो मैंने देखा कि यार मेरा पार्सल आया हुआ था, जो कि मैंने दराज डॉट पीके से एयरपोर्ट्स ऑर्डर करवाए थे। और मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मुझे इतना ज़्यादा वेट था ना यार इस चीज़ का कि आएंगे, इतने ज़्यादा दिन बाद आया और वो भी एयरपोर्ट की एक साइड ख़राब थी बिल्कुल। मुझे इतना दुख हुआ, मैंने इस चीज़ का इतना वेट किया था। उसके बाद मैं सोच रही थी कि यार मैं क्या करूँ इसका। पहले तो मुझे पता नहीं था कि यार मतलब रिफ़ंड की ऑप्शन नहीं थी आ रही। उसके बाद मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि इसको जाके दराज के ऑफिस से वापस हो जाता होता है। थैंक्स टू गॉड यार कि मेरी जो थे पैसे ज़ाया होने से बच गए थे। मेरे तो दिल ही हिल गया था यार कि मतलब कोई सस्ते तो थे नहीं यार, मतलब फिर भी चलो कोई बात नहीं यार, इस तरह के छोटे मोटी चीज़ें होती रहती हैं। वो कहते हैं ना बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, तो इसी तरह मेरे साथ भी हो गया था। और मैं उसके बाद अपनी जो थी एयरपोर्ट्स लेके मैं अपने भाई के साथ गई थी दराज के ऑफिस में। वहाँ पर थोड़ा प्रोसेस करना पड़ा था, लेकिन ईजीली वापस हो गए थे। उन्होंने मुझे एक हफ़्ते का टाइम दिया था कि यार मतलब एक हफ़्ते के अंदर आपको आपके पैसे जो हैं आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन मुझे इस चीज़ से बहुत खुशी हुई थी कि यार इनके जो ऑफिस में जितनी भी टीम थी वो बहुत कोऑपरेटिव थी, और मेरे जो पेमेंट थी वो मुझे एट दैट टाइम उसी टाइम जब मैं घर आई थी तो मुझे साथ ही वापस मिल गई थी। और जब फिर जब हम कहीं बाहर जाएं तो आइसक्रीम ना खाएं, वो भी सर्दियों में ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो हम आइसक्रीम या शेक्स तो पीते रहते हैं, तो आज हम कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। तो मैंने आइस रोल्स ट्राई किए थे, मैंने पहले बहुत दफ़ा खाए थे। इसका टेस्ट मुझे कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं लगा था, लेकिन अच्छे थे। हमने इसको अच्छे से टॉपिंग शॉपिंग करवा के चॉकलेट ही तैयार करवाया। और इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग ख़त्म होता है। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।